मॉर्निंग सभी को। आज आपको जो है थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ बगल में ही बोरिंग हो रहा है, इसलिए हो सकता है आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो। बस सर खिड़की बंद कर दें। चलिए अब आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज भर मैनेज करेंगे, फिर आगे से जो है ठीक हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जान लिए थे कि कैसे इसका पैमाना होता है, कैसे ये कार्य करता है, डिफ्लेक्टिव टॉर्क किसको कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं किसको कहते हैं, और डैम्पिंग टॉर्क किसको कहते हैं। तीन प्रकार के टॉर्क होते हैं। पहला जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो वैसा टॉर्क जो स्पैंडल यानी जो पैमाना को जो सुई को जो सांकेतिक है उसे पैमाना तक ले जाने के लिए जो बल कार्य करता है या जो टॉर्क कार्य करता है उसी को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। उसको कौन सा टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी को जो कंट्रोल करता है, जो फिर से जीरो पर लाने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और जो कांटे को कंपन से जैसे हिलता उलता रहेगा तो हम लोग मापने में कठिनाई होगा, उस कंपन को दूर करने के लिए एक प्रकार के टॉर्क लगाए जाते हैं या लगते हैं, उसको जो है हम लोग डैम्पिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। ये डैम्पिंग टॉर्क कई प्रकार से होता है, ये स्प्रिंग डैम्पिंग टाइप, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगर हम लोग ऑयल से करेंगे तो ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग हो जाएगा, अगर एयर से करेंगे तो एयर फ्रिक्शन हो जाएगा। ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, अगर ईडी करंट का प्रयोग करेंगे एल्युमिनियम की चक्ती द्वारा तो वो ईडी करंट जो है कंट्रोलिंग सिस्टम हो जाएगा, अगर स्प्रिंग के द्वारा करेंगे हम लोग तो स्प्रिंग डैम्पिंग कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने जान लिया था क्या होता है कैसे होता है। आज हम लोग जानेंगे कि मीटर कितने प्रकार के होते हैं। मीटर जो है दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा को बोलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग एम सी टाइप बोलते हैं और इसको एम आई टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो प्रकार का होता है, एक को एम सी टाइप बोलते हैं, दूसरे को एम आई टाइप। एम सी मतलब मूविंग कॉइल और एम आई मतलब मूविंग आयरन, ठीक है। तो ये किस पर कार्य करता है? ये केवल डीसी पर कार्य करता है, केवल डीसी पर कार्य करता है। और मूविंग आयरन ये दोनों पर कार्य करता है, ये एसी एंड डीसी दोनों पर कार्य करता है। ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्या दो प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक को बोलते हैं एमसी, दूसरे को बोलते हैं एमआई। एमसी होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एमआई होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये केवल डीसी पर कार्य करता है एमसी, और एमआई एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है,
इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और जो एमआई टाइप का है इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसका पैमाना अनुपातिक होता है, इसका पैमाना अनुपातिक होता है। अनुपातिक होता है मतलब जैसे ये है तो जितना दूर एक से लेकर के 10 तक होगा उतना ही दूर 20 होगा, उतना ही दूर 30 होगा, उतना ही दूर 40 होगा और उतना ही दूर में 50 होगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये अनुपातिक कहलाता है। और ये अनुपातिक नहीं होता है, एमआई टाइप का अनुपातिक नहीं होता है। अनुपातिक नहीं होता इसका मतलब ये जो पैमाना है जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो दूरी उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 है कि थोड़ा दूर में जाकर के 20 होगा, फिर थोड़े दूर में जाकर के 30 होगा, फिर और दूर में जाकर के 40 होगा, फिर और दूर में जाकर के 50 होगा। मतलब ये दूरी धीरे धीरे क्या होगा बढ़ते जाएगा, इसको बोलते हैं अनुपातिक नहीं बोलती है, ठीक है। इसका पैमाना जो है अनुपातिक नहीं होता है। इसका पैमाना कैसे होता है, इसका पैमाना जो होता है अनुपातिक होता है, यानी कि जितनी दूर में 10 है उतना ही दूर 10 और 20 के बीच उतना ही दूरी, 20 और 30 के बीच उतना ही दूरी, 30 और 40 के बीच। लेकिन यहाँ जितना दूरी 0 से 10 के बीच है उससे ज्यादा दूरी होगा 10 से 20, फिर उससे ज्यादा दूरी होगा 20 से 30, उससे ज्यादा दूरी होगा 30 से 40, यानी कि इसकी पैमाना अनुपातिक नहीं होता है, बड़ा छोटा होता है, और ये इसका पैमाना अनुपातिक होता है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। इसका पैमाना, इसका ये समझ गया अनुपातिक और अनुपातिक नहीं। इसकी माप सीमा बढ़ाई जा सकती है, इसकी माप सीमा बढ़ाई जा और इसकी माप सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, इसकी माप सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, ये अंतर है, ये सब सारा चीज आप नोट करेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे आप, मीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एमसी टाइप और एक होता है एमआई टाइप। एमसी टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एमआई टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल केवल और केवल डीसी को माप सकता है, इसमें केवल डीसी का प्रयोग होता है। लेकिन एमआई टाइप इसमें एसी डीसी दोनों का प्रयोग होता है, इसमें दोनों माप सकते हैं। मूविंग कॉइल में पैमाना अनुपातिक होता है और मूविंग आयरन में अनुपातिक नहीं होता। मूविंग कॉइल में इसकी माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मूविंग आयरन में माप सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और मूविंग आयरन का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसको आप फटाफट गलती से नोट करें।
और लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसका जो बनाव ये कम मजबूत होता है, ये और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये क्या होता है, यह कम मजबूत होता है। ये क्या होता है, यह जाति मजबूत होता है, यानी कि मजबूत होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, यह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें कुंडली मूव करता है, ठीक है, इसमें कुंडली मूव करता है, मतलब इसमें जो क्वाइल है वो ही मूव करता है, लेकिन इसमें आयरन मूव करता है, इसमें क्वाइल मूव करता है, क्वाइल ही घूमता है, इसलिए इसको मूविंग क्वाइल बोलते हैं, और इसमें आयरन मूव करता है, इसलिए इसको मूविंग आयरन बोलते हैं, इसमें कुंडली स्थिर रहता है, या इसमें लिखेंगे कुंडली स्थिर रहता है, कुंडली स्थिर रहता है, इसमें कुंडली मूव करता है और इसमें कुंडली स्थिर होता है। इसमें विद्युत खपत कम होता है, रेजिस्टेंस कम है तो विद्युत खपत कम होता है, विद्युत खपत कम होता है, और इसमें विद्युत खपत ज्यादा होता है, विद्युत खपत ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज सारा चीज है, आज आवाज आने के कारण थोड़ा सा जो आपको महसूस हो रहा है, मतलब आवाज आ रहा है तो सही तरीके से नहीं लग रहा है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पहले पढ़े कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सूचक का कार्य करता है, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट माप को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को और दिशा को भी दर्शाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसका माप है वो भी दर्शाता है। ये जो द्वितीयक प्रकार का है ये तीन प्रकार का होता है, एक को होते हैं इंडिकेटिंग, दूसरा इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग सिर्फ इंडिकेट करता है, इंटीग्रेटिंग पूरे जोड़ के बताता है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेता है। इसी में हम लोग पढ़े थे कि जो सेकेंडरी में है उसमें तीन प्रकार के टॉर्क लगते हैं, एक को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, दूसरा को कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं और तीसरा को डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। अब जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांटे को आगे ले जाने के लिए करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कांटे को पीछे ले जाने के लिए यूज होता है, और डैम्पिंग टॉर्क कांटे को हिलने डुलने से बचाता है, ठीक है। इसी में आता है दो प्रकार का, एक होता है MC, एक होता है MI, MC मूविंग कॉइल, MI मूविंग आयरन, ठीक है। MC जो है AC सिर्फ DC पर यूज होता है, MI AC-DC दोनों पर यूज होता है, ये कम मजबूत होता है, MI ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। इसका पैमाना आनुपातिक होता है और MI का पैमाना आनुपातिक नहीं होता है, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।